भारत के ललाट पर, उन्नत भारत के ललाट पर भिलाई का नाम है, भिलाई का नाम है। गौरवमयी संयंत्र भिलाई छत्तीसगढ़ की शान है, हम सबकी पहचान। छूना है आकाश यही मूल मंत्र है, सर्वत्र खुशियां बिखेरना भिलाई इस्पात संयंत्र है। हम करते हैं मेहनत दिन रात, नतीजा है क्षमता से अधिक उत्पाद। हम बनाते हैं विश्व की सर्वोत्तम रेल, हर किसी की जिंदगी से जुड़ा हुआ है से। उन्नत भारत के ललाट पर भिलाई का नाम है, भिलाई का नाम है। गौरवमयी संयंत्र भिलाई छत्तीसगढ़ की शान है, गान है, हम सबकी पहचान है। स्वस्थ देश भारत अपना, जल जीवन हरियाली हो, जल जीवन हरियाली हो, जल जीवन हरियाली हो। श्रमिक क्षेत्र में स्वच्छ जागरण, हर घर में खुशहाली हो, हर घर में खुशहाली हो, हर घर में खुशहाली हो। चाहूं और खुशियां बिखेरना, खुशियां बिखेरना सीएसआर का काम है, सीएसआर का काम है। देता है इस पात देश को श्रम अर्जित सम्मान है, बीएसपी को प्रणाम है। जिंदगी से जुड़ा हुआ यह सेल है, जुड़ा हुआ सेल है, जुड़ा हुआ सेल है। हम बनाते हैं सर्वोत्तम विश्वविख्यात रेल है, विश्वविख्यात रेल है, विश्वविख्यात रेल है। श्रमदान के सृजन बाण से, दान के सृजन बाण से करते देश निर्माण है। अभिनेत्री हमारे साथ मौजूद है, तीसरी बार आपको सही जवाब देने पड़े। अनुराग बासु, अनुराग बासु, जोरदार ताली भाई। अनुराग, अनुराग बासु है। फिल्म के अभिनेता का नाम क्या है और भिलाई के रहने वाले हैं और पिपली लाई में वो झंडा गाड़े थे, बॉलीवुड में झंडा गाड़ चुके हैं, छत्तीसगढ़ी फिल्मों में झंडा चुके हैं। दोनों सवालों के जवाब एक बार में सही आए हैं। हमारे अतिथि मौजूद हो है, एक एक करके सभी अतिथि आते जा रहे हैं। सभी लोग मंच के सामने से हट जाएं प्लीज, जितने भी हमारे पदाधिकारी भी हैं। करते हैं नारी शक्ति से करते हैं। कोई और दम लग गया होगा। शुरुआत नारी शक्ति से करते हैं। सवाल नंबर एक कहां से करूं? बहुत बढ़िया जवाब, गलत है ये।
40 है भाई, 40 वार्डों का एक नया निगम बना तीस गली का। चले आओ। पहले सवाल सही था आपका, जवाब सही था, मतलब 70 वार्ड है और उसके बाद 30 बोल दिए, गलत हो गए। फिर मैं बताऊंगा मजेदार सवाल का जवाब है, गेशिंग कर रहा हूँ बस, सही हो तो चंदूलाल चंद्राकर जी कहीं नहीं। अच्छा सांसद थे, सॉरी सांसद है। अरे वाह आप तो फैन हो पांडे जी के। पांडे जी नहीं है, पांडे जी नहीं है, वोरा जी नहीं है, चंदूलाल जी नहीं है, मोहनलाल भाकलीवाल जी भी नहीं है। चलिए बहुत डिफिकल्ट सवाल है, शायद बहुत कम लोगों को पता है, स्वर्गीय गोविंद सिंह जी थे पहले विधायक भिलाई के। 1952 के बाद जब भिलाई से अलग हुआ, जब दुर्ग से अलग हुआ, उस समय दुर्ग में आते थे हम लोग, भिलाई नगर नगर जो ये विधानसभा है भिलाई का, ये दुर्ग विधानसभा में आता था। 1957 में स्वर्गीय गोविंद सिंह जी भिलाई के पहले विधायक थे। 3-4 सवाल हो गए हैं। श्रद्धा भक्ति प्रेम के भाखा, सभ्यता संस्कृति के खान है, लांगन रह के पहुना खवाए, हमर भिलाई महान है, हमर भिलाई महान। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। नाना टको गादे, बड़े मजा आ गई समझ लो। मयन चिनेर देश विदेशी मय के मोलन तोल, जात बिजात न जाने रे मया, मया रुके बोल, काय मया सब नाच न जावे, मया के एक नजरिया, पता दे जदे गाड़ी वाला, केवल दो लाइन के हैं कि छूना है आकाश यही मूल मंत्र है, सर्वत्र खुशियां बिखेरना भिलाई इस पास संयंत्र है, हम करते हैं मेहनत दिन रात, नतीजा है क्षमता से अधिक उत्पाद, हम बनाते हैं विश्व की सर्वोत्तम रेल, और हर किसी की जिंदगी से जुड़ा हुआ है सेल, जुड़ा हुआ है सर, यह केवल विज्ञापन ही नहीं जीवन दर्शन है। थैंक यू भिलाई, थैंक यू भिलाई, थैंक यू भिलाई। भिलाई, भिलाई स्टील प्लांट और सेल, सेल के बिना हमारा भिलाई अधूरा है, और सेल ही था जिसकी भिलाई स्टील प्लांट में काम करने वाले जो दो पूर्व ओलंपिक खिलाड़ी है, उसमें एक भी है और दो लोग हैं, सेल भिलाई स्टील प्लांट में कार्यरत दो कर्मचारी जो ओलंपिक खेल चुके हैं, आप लोग खिलाड़ी साहब भी बैठे हैं हमारे साथ, चलिए रस्ता खींच के प्लेयर भी है, और गुरु जी जी राजेंद्र प्रसाद हनुमान सर, हनुमान सिंह ए आर क्रिस्टी है। अच्छा क्रिस्टी, सवाल करते हैं, जवाब दे दिया, लेकिन फिर भी आपने प्रयास किया इसके लिए, आंसर जी क्रिस्टी हॉकी प्लेयर थे, दो ओलंपिक प्लेयर थे भिलाई स्टील प्लांट में कार्यरत, और दोनों ओलंपिक खेल चुके हैं। जवाब सही है, लेकिन अभी रखते हैं, होल्ड रखते हैं, अभी और सवाल करेंगे उनसे, तो आगे बढ़ते हैं धीरे धीरे, रजनी रजक जी का बहुत प्यारा, चलिए हम सवाल स्किप करते हैं और आगे बढ़ते हैं कार्यक्रम में। सेक्टर 1 स्टेडियम आप सबने देखा होगा, फ्लड नाइट मैच होता है, नाम पता किसके नाम पे? स्टेडियम का नाम पंत स्टेडियम है, किस राजनेता के नाम से पंत स्टेडियम है ये बताना है आपको, कोई रविशंकर, रविशंकर पंत तो मैं कभी सुना नहीं, रविशंकर शुक्ल थे, पंत स्टेडियम है, किस राजनेता के नाम से पंत स्टेडियम हुआ? उस राजनेता के नाम पे जो है स्टेडियम का नाम रखा गया है सेक्टर 1, लेकिन सब पंत स्टेडियम के नाम से जानते हैं, तो चलिए सर अभी नेक्स्ट वाला करते हैं और कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं धीरे धीरे। दान सेक्टर 9 मतलब डॉक्टर इसर क्या कहेंगे इस कार्यक्रम को लेकर, और आज आप आज रत्न से सम्मानित होने वाले हैं। बहुत अच्छा लग रहा है और बहुत ही हाई स्केल पे कार्यक्रम आयोजित किया गया, मुझे इसके लिए चुना गया, मैं इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सर वेरी मच, आपका चिकित्सा क्षेत्र में बड़ा नाम है, बड़ा योगदान है भिलाई में, डॉक्टर इसर नाम ही काफी है। अब अगला सवाल लेते हैं, नहीं मैं एक जन को बोलना है, गलत जवाब दे रहे हो बिना, और भी सवाल मैं आ रहा हूं जी, सेक्टर 2 और के जंक्शन, हाँ सुपर इलाके क्रॉस करते हैं, सेक्टर 2 टच करते हैं, तो वहां पे आपको जेपी जी की प्रतिमा दिख जाएगी, जोरदार ताली सर के लिए। सर क्या? वसंत चौबे जी ने बिल्कुल सही जवाब दिए हैं, सूरज भाई से कहूंगा इन्हें अवार्ड से सम्मानित किया जाए। थैंक यू सर, बेटा तैयारी से आई हो तो
कितने एक्साइटमेंट था आपको? बहुत अच्छा लग रहा है और ये हम हर साल देखते आ रहे हैं और हमारी बहुत इच्छा थी यहाँ पे आने की और आज अशोक भैया ने हमें इनवाइट किया है। थैंक यू अशोक भैया, थैंक यू भिलाई, थैंक यू भिलाई, एक बार जोर से बहुत टाइम से कुछ बोले नहीं है, थैंक यू भिलाई। यार मेरे अंदर ही जोश, बाकी लोग सब खेलने के तैयारी चक्कर में। अभी एक सूचना ये है कि सभी लोगों को अभी सिंगल बैलून दिया जाएगा और उसे छोड़ना नहीं है, सभी लोग अपने पास रखेंगे, जब हम थैंक यू बिलाई बोलेंगे यहाँ से आपको इंडिकेट करेंगे कि छोड़ना है तभी छोड़ना, प्लीज इसको ध्यान में रखें। अरे नीचे करो उसको। एक जरूरी जानकारी आपको बता दूं, फैक्ट बता दूं, भिलाई स्टील प्लांट 2 फरवरी को, आज के दिन जो है मतलब सोवियत संघ और भारत के बीच में एक समझौता हुआ था, उसके बाद भिलाई स्टील प्लांट स्थापना का जो रास्ता था वो क्लियर हो गया था, तो आज हम जिस जगह पे मौजूद है वो उसी दिन को सेलिब्रेट करने के लिए मौजूद है। और उसमें एक रोचक फैक्ट, जिस जगह पे आप बैठे हैं ये जो है सेक्टर आपका सेक्टर 5 है और ये एक गाँव हुआ करता था। हम भिलाई में जन्मे लोग भिलाई से इतना प्यार करते हैं कि रोज एक बार शायद हम थैंक यू भिलाई कहते हैं, लेकिन आज शपथ फाउंडेशन ने हमारे कार्यों को सराहा, भिलाई की बहुओं को लेकर मैंने जो काम शुरू किया आज उन्होंने इसके काबिल समझा और मुझे आज कहना चाहिए कि थैंक यू शपथ फाउंडेशन, और जोर से कहना चाहिए एक बार मिलकर थैंक यू भिलाई। सिलेबस से बाहर सवाल कर दिए तो पेपर न बने नहीं, तो ऐसा नहीं होगा, भिलाई से है तो भिलाई से सवाल होगा। भिलाई की प्रथम मेयर का नाम किस किस को पता है? कोई एक को जवाब देना है, पता सबको होगा। अच्छा हमारे पत्रकार बिरादरी से एक सवाल लेते हैं, जवाब ले लेते हैं। वर्मा जी आपको बताइए जी, पता है? हाँ पता है। कौन है? नीता लोधी जी। नीता लोधी, चलो बिल्कुल सही, बहुत सरल सवाल था, इनके लागे जवाब नहीं था कि चली सम्मानित किया जाएगा वर्मा जी को। आज जिनको हम अलंकित करके गौरवान्वित होगा शपथ फाउंडेशन, वो सभी हमारे नवरत्न और विशिष्ट सेवा सम्मान पाने वाले सामाजिक संस्थाओं के पदाधिकारी हमारे बीच में आ चुके हैं। कार्यक्रम में हमारे बीच के कार्यक्रम के मुख्य अतिथि परम आदरणीय श्री एन के बंछोर जी, जो कि भिलाई ऑफिसर एसोसिएशन के प्रेसिडेंट हैं, साथ ही साथ सेफी के भी चेयरमैन हैं, वो हमारे बीच में पधार चुके हैं, उनके लिए जोरदार कट्टर ढंग से स्वागत। हमारी ऑर्केस्ट्रा के भाई संदीप सिंह राजपूत से भी अनुरोध है कि जो हमारा भिलाई थैंक यू भिलाई का सॉन्ग है इस समय हमारे अतिथियों के द्वारा, तो एक जब आएगा उसके बाद आप लोगों को छोड़ दूंगा। चलिए 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 विधायक भाई देवेंद्र यादव के प्रतिनिधि, मेरा छोटा भाई, लेकिन इस कार्यक्रम के लिए इसने जो मेहनत की है इसके लिए इसको धन्यवाद। एकांत बंछोर, भारत माता की, थैंक यू भिलाई, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। शपथ फाउंडेशन का स्थापना 2016 में मात्र 32 सदस्यों के साथ शुरू हुआ था, यह रजिस्टर्ड संस्था है और शपथ फाउंडेशन के काम को देखते हुए आप विश्वास नहीं करेंगे, कड़ी पर कड़ी जुड़ते गई सभी अतिथियों से, सभी गढ़वाले नागियों से, और जम्मो जम्मो भाई बहनी मल्ला निवेदन है कि...
इतिहास बनेगा। और आपके साथ में जो बच्चे आए हुए हैं, ये आप जिस विधा में काम कर रहे हैं, तो आपको ऐसा लगेगा कि भिलाई नहीं, मध्य भारत ही नहीं, पूरे संपूर्ण भारत में शिक्षाविद के रूप में सुविख्यात परम श्रद्धेय भिलाई में जहाँ पे लोहा गला करता है, लेकिन उनके दिल में शिक्षा की एक ज्वाला धड़क उठी और वो एक इंजीनियर शिक्षाविद। हमन मन कैसा कहते कि ये डॉक्टर हमारे छत्तीसगढ़िया डॉक्टर हवे। कल्पना स्वामी और पुष्पा पटेल से अनुरोध करूंगा कि सुन स्वर्ण पदक हासिल करने वाले भारत के पहले पहलवान और उन्नीस खेल की विदा के बाद भरा नेह का रंग बचपन से मिलता रहा बख्शी जी का सानिध्य, उसके भी सम्मानित अध्यक्ष हैं और साथ ही साथ ये उद्योग जगत में भी है इनके। आपगढ़ की धरती पर स्वर्ग कोयला नेहरू सम्मान छत्तीसगढ़ कला रत्न स्वर्गीय दलवीर सिंह, ये नाम जब मैं पुकारा हूं तो बहुत सारे साथी भी जपाएंगे करता है, वो उस कार्य को कर रहे हैं। मैं गुरु नानक जी की और भाई राजेश्वर राव के लिए दो पंक्तियां कहना चाहता हूं कि सबकी पहचान है
का प्रतीक हरित क्रांति की गगरी है, हरित क्रांति की गगरी है, हरित क्रांति की गगरी है। श्रम शक्ति और उच्च उत्पादन गुणवत्ता की नगरी है, गुणवत्ता की नगरी है, गुणवत्ता की नगरी है। नवल सृजन हित महामंत्र जप, नवल सृजन हित महामंत्र जप करते जग कल्याण है, करते जग कल्याण है। रिश्तों का यह नंदन कानन समता गौरे हम सबकी पहचान है,